उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ की ओर से आरक्षी नागरिक पुलिस एवं आरक्षी पीएसी के पदों के लिए हुई परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए गए हैं, लेकिन तकनीकी दिक्कतों की वजह से अभी तक रिजल्ट का लिंक वेबसाइट पर नहीं दिख रहा। इस बारे में पुलिस भर्ती बोर्ड के अधिकारी आर के चतुर्वेदी ने बताया कि भर्ती बोर्ड की ओर से रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं, किंतु तकनीकी दिक्कतों की वजह से अभी वेबसाइट पर रिजल्ट नजर नहीं आ रहा है। इस बाबत कार्यदायी संस्था को अवगत करा दिया गया है। भर्ती बोर्ड की वेबसाइट ने अभी एक नया नोटिस जारी किया है, जिसमें सफल अभ्यर्थियों का कट ऑफ मार्क्स जारी की सूचना दी गई है। साथ ही कहा गया है कि शारीरिक मानक परीक्षा 5 दिसंबर 2018 यानी आज से शुरू होगी। बोर्ड की सूचना के अनुसार सिपाही भर्ती का रिजल्ट 4 दिसंबर को बोर्ड भर्ती की वेबसाइट पर दोपहर 2 बजे जारी होना था, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों की वजह से रिजल्ट शाम 7:30 बजे तक भी लोगों को नहीं मिल सका। उम्मीद है कि आज देर रात तक उम्मीदवार अपना रिजल्ट देख सकेंगे। हालांकि यह रिजल्ट कब तक दिखेगा, इस बारे में बोर्ड ने अभी कुछ भी नहीं कहा है। रिजल्ट जारी होने के बाद डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर उम्मीदवार अपनी पंजीकरण संख्या और जन्मतिथि की सूचना दर्ज कर अपना रिजल्ट देख सकेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने सूचना दी है कि पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के साथ ही आज शारीरिक मानक परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए जाएंगे, इसलिए परीक्षा में सफल उम्मीदवार आज ही बोर्ड की वेबसाइट से अपने प्रवेश पत्र को डाउनलोड कर लें। प्रवेश पत्र में परीक्षा केंद्र, निर्धारित तिथि व समय और जरूरी मूल प्रमाण पत्रों की सूची के बारे में सूचना दी गई है, इसलिए अभ्यर्थी मूल प्रमाण पत्रों के साथ ही शारीरिक परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्र में पहुंचे। आगे भर्ती से जुड़ी लगातार अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें टॉप 10 न्यूज चैनल को और साथ वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें।